सैजनवा पुलिस ने डीसीएम पर हरियाणा निर्मित विदेशी मंदिरा लादकर बिहार में बेचने ले जा रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सिहापार हॉल्ट के आगे हरियाणा के नंबर की डीसीएम गाड़ी जो संत कबीर नगर की तरफ से आ रही थी उसको रोक कर जब चेकिंग किया गया तो उसमें लकड़ी के बीच छिपा कर ले जाया जा रहा अवैध शराब बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल डीसीएम को अपने गिरफ्त में लेते हुए चालक सोनू पुत्र नरेंद्र निवासी ग्राम बागपुर थाना बैरी जिला झज्जर हरियाणा को गिरफ्तार किया तथा 135 पेटी विदेशी मंदिरा जो हरियाणा निर्मित है उसको बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। जलाओ चलो फेंका जलाओ हाँ जल रहा है ठीक चलो फेंका भूसा है क्या टूटी है वो गेहूं वाला कूटा है जांच की जा रही है। जनवा में एक ट्रक चालक को पकड़ा गया है जो जिसके ट्रक में 135 पेटी जो हरियाणा से निर्मित शराब है वो ले जाके बिहार की तरफ ले जा रहे थे तो उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया और युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो उसके अन्य साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस तरह ले जा रहे थे ये जो ट्रक है ट्रक के अंदर शराब की पेटियाँ रखी थी उसको छुपा के उसके ऊपर से जो भूसे के जो बोरे हैं उसके ऊपर रखा गया था ताकि वो कंसील हो जाए और पुलिस की नज़र में ना आए। ये जनरली हरियाणा में जो शराब निर्मित होती है इसको अवैध तरीके से बिहार ले जाते हैं और बता रहे हैं कि ये अक्सर इस तरह से लेके जाते हैं और जब पुलिस सक्रिय नहीं रहती है रात्रि को तो उसमें उस समय कोशिश होती है इनकी कि ट्रक को गुजार लिया जाए सड़क से। अभी जो इनके अन्य साथी हैं उनको पकड़ा जाएगा और जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसी में ये चीज़ें निकल के आएंगी कि इसमें कितना बड़ा नेटवर्क इसमें शामिल है। अंग्रेजी ब्रांड का हाँ इंपीरियल ब्लू लेवल की ये शराब है उसमें जो रैपर लगे हुए हैं।